তোমার একই ছিলাম নাম তাই তো भाई चल लो लो नाइस नाइस लोग अच्छी अच्छी जगह देखोगे पक्की की गाड़ी आती है जब देखो आगे एक से क्वालिटी के राजू भाई ये पूछना था कि बहुत से कमेंट आते हैं तुम्हारे इसमें इतना महंगा क्यों पठानकोट या फिर वहाँ पे माल लेने जंगल में तो क्या डिफिकल्टी आती है तुम्हारे को भाई डिफिकल्टी तो ऐसी आती है वहाँ पे मैं तुमको बता सकता हूँ 7-7 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर का पहाड़ चलना पड़ता है। एक क्वेश्चन आप लोगों से ये था जो भी लाइक आप लोग काम करते हैं जैसे पठानकोट का नाम तो अभी भी सुनने में आया 2-3 साल हुआ तो ये मतलब जो पठानकोट की ब्रीड वहाँ से ब्रीडिंग होती है कि वहाँ पर लाया जाता है तो माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम क्या के नंबर वन यूट्यूबर आसिम भाई ये है मेरा गला आसिम भाई और आसिम भाई ये तोहफा भेजिए फैसल सारंग भाई और हमारे साथ है अभी लालू भाई दी दुम्बा किंग माशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ जितने दुम्बे आज के टाइम पे तुम्हारे बाड़े में भिवंडी में कहीं नहीं है भिवंडी की बात करो के अंदर नहीं है छोड़ दो मुंबई के अंदर नहीं चालू चालू ऊपर मुंबई के अंदर नहीं है भिवंडी ऑन कैमरा बोल रहे हो भाई हमेशा बोलता हूँ आज क्या बोलता कैप्चर करो आके सही है और ज्यादा नहीं हाथी भाई की रील पे देख लो ऐसा लगता है कोई गवाल चढ़ा रहा है दुम्बा किंग का नहीं नहीं वो तो घमंड वाली बात है अल्लाह माफ करे वो तो हाथी भाई दिए हाथी भाई दिए 180 रुपए में कोई वजह से इंसान देता तो लालू भाई 180 रुपए में नाम बांट रहे थे पावती फाड़ रहे थे तो वो मतलब मिलाती की बनना लालू भाई ये पूछना था कि बहुत से कमेंट आते तुम्हारे इसमें इतना महंगा क्यों ऐसा एक बार आप मेरे को बता दीजिए तुमने विलायती बेचे बोर बेचे मतलब माशाल्लाह और भी ब्रीड में आपका काम है दुम्बे में तो है वो तो सिग्नेचर काम है आपका एक बार आप बता दो कि इतना महंगा क्यों इनका जवाब दे दो हमारे तक्की भाई ये बैठे हुए हैं जी विलायती ये लेके जब आते हैं जी तो ये हर भिवंडी वालों को बोलते यही हम लोग को माल देते हैं उसमें अच्छा। कोई दो राय नहीं है हम पठानकोट नहीं जाते होते हैं झूठ बोल के मक्कारी करके मेरे को नहीं आता बोले ये मैं भिवंडी से ही लेता हूँ ये जो है ये लाते हैं तुरंत हम लोग को बुलाते हैं फिर वो बीमार हुआ तीमार हुआ हमारे गले गया आपको आप प्रूफ करो हकीकत है माल वैसी मैं आपको देता हूँ मेरे यहाँ पे मेरा लड़का माल लेके जैसे आता है अल्हम्दुलिल्लाह जैसे माल मेरे फार्म पे आता है जितने भिवंडी के ट्रेडर्स लोग है अल्हम्दुलिल्लाह सब लेके आते हैं अपने से और वो लोग ले जाके उसके ऊपर मेहनत करते हैं भाइयों हाँ 15 दिन महीना भर 1.5 महीना कोई रखता है कोई 2 महीना रखता है भाई जैसा मैं बताऊं हाँ जैसा महीना जैसा अपना अपना ये है वो मेहनत करने के बाद में उसका लुक चेंज करते है पूरा और उसके बाद सामने वाले ग्राहक को देते है ग्राहक भी फंसे नहीं कोई गिराक लेके फंसे नहीं डायरेक्ट लालू भाई जी बहुत मेहनत रहती है मेंढो में भाई लालू भाई है अपना अनिल भाई है वकी भाई है नबील भाई है अपने हाँ एहतेशाम भाई है अपने समझे ऐसे बहुत से लोग माशाल्लाह माल लेते हैं और लोग मेहनत करते हैं जानवर के ऊपर और उसके बाद में फिर वो देते हैं बहुत बढ़िया वो माल जब हम लाते हैं तो सबसे पहले तो 7 दिन उसको हम जो है ना वही हालात में छोड़ देते हैं वही हालात में छोड़ के खाली उसको हरी पत्ती देते हैं फिर उसके बाद 7 दिन के बाद हम बुलाते हैं नाई को हज्जाम जिसको बोलते हैं जी फिर उससे करते हैं बाल कटिंग उसी टाइम हाईटेक डिवार्मिंग कर देते हैं जी फिर 5 दिन के बाद उसको नहलाते कितना दिनों आगे हो गया टोटल जोड़ के 15 दिन 15 दिन पकड़ लो 15 दिन जानवर ये हुआ 15 दिन के बाद फिर 15 दिन हम तैयार करते हैं कितना दिन हुआ 1 महीना फार्म वाला पलाई कितना लेता है 3700 रुपए मेंढे की 3700 रुपए से नीचे खाएगा ही नहीं 3700 वो हो गए प्लस हम इनके यहाँ से मंगाए 500 जानवर का खर्चा आया 4200 रुपए अब हम वो जोड़ते हैं प्लस हमारे जो पैसे उसमें लगते हैं उसका 2000 रुपए जोड़ लेते हैं और मेडिसिन भी लगते हैं मेडिसिन तो अल्हम्दुलिल्लाह ये ह्यूमिडिटी पावर बहुत मजबूत होती है हम किसी को डराएंगे नहीं कि मेढे मत लो ये उतारते इनसे भी लो हमसे भी लो लेकिन हम तैयारी करके देंगे लेकिन नहीं रहेगा लेकिन के मतलब सर नहीं झुकाएगा जाके वहाँ तो वो मामला तो है हमारी मेहनत तो संवारने का हम पैसा लेते हैं हम गारंटी के साथ भेजते हैं
ट्रेन में भी वीडियो देते हैं, हमारे यहाँ से जाता है तो भी वीडियो देते हैं, फार्म पे पहुंचा फार्म पे जाता है वहाँ का भी वीडियो देते हैं। हम आपको एकदम इत्मीनान करके ही माल देते हैं। अब इसमें आपको महंगा लगे झूठ फसाद नहीं रहता, जूम करके वीडियो नहीं रहती, सही बात है, समझ गए। ये है मामला। सबसे पहली चीज अपना टाइम लगता है, टाइम सबसे इम्पोर्टेंट, आज के टाइम पे टाइम सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। क्वालिटी लेना है ना, क्वालिटी लेना है तो टाइम लगेगा, सही है। झटपट लोगे तुरंत दवा खिलाओ खत्म, उसको झटपट बोलते हैं, हम झटपट नहीं करते हैं, टाइम में ही क्वालिटी मिलेगी, खुली खुली बात है भाई। इसमें किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, मैं किसी को हेट करने के लिए बात नहीं बोला जी। और तुम्हारे वहाँ जो भी चीज रहती है सब मोस्ट टॉप क्वालिटी की चीज रहती है। मेरा दिल बोलता है तो बेचता हूँ, नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ साइड में। भाई एक एक अच्छा। दो लेके ही बेचता है, ऐसा नहीं है ऐसा क्वांटिटी नहीं। में काम जो चीज समझ में आती है अभी भाई सामने ही बैठे तकी भाई ये लेके आते पूरी पूरी गाड़ी में, उसमें से अगर चार समझ में आए तो चार ही लेते, तीन समझ में आए तो तीन ही लेंगे, उनको जो पसंद आए मतलब समझ में आए दो ही लेते, एक समझ में आए तो एक ही लेते भाई, और कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आते हैं हर बार, जब गाड़ी आती तो तब आएंगे, लेके आते माल जब गाड़ी आएगी तब। और इनका लड़का है, सब जुड़े हुए हैं भाई हम लोग। और एक बात है, इनका लड़का अब्दुल कादिर रात को एक बजे फोन करेगा, अंकल ये मेरा है, मेरे समझ में आया, मैं बोला बेटा साइड कर दे। वो ये नहीं बोलेगा कि अंकल किस पे पैसा मारना, बोले कल भेज देता हूँ, चुपचाप भेज देता मैं मेरे हिसाब से करके भेज देता। ट्रस्ट है आपस में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे, कोई रूल नहीं है कि पैसा आएगा तो ही माल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छा बच्चा है लालू भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी के जितने भी हमारे जो वकी भाई के ग्रुप से जो भी है जी, इनके पैसे सोने में भरे हुए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो तकी भाई जैसे आप लोग तो वहाँ जाते हो पठानकोट, कादिर तो जाते ही, कादिर जाता है और बाइक टांगे रहता है ना, मेरे को दर्द आती है उसकी उम्र देख के, उसकी बाइक की वजन देख के। लेकिन बच्चा बहुत मेहनत कर रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, इतना मेहनत कर रहा है, अरे भाई इतना मेहनत कर रहा है कि मैं क्या बोलूं तुमको, बस कह नहीं सकता। आपने भी मरीनों की रील्स बहुत वायरल हुई थी आपकी, कुछ जंगल में खड़े थे पहाड़ के पास, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा जब आप जाते हो पठानकोट या फिर वहाँ पे माल लेने जंगल में, तो क्या डिफिकल्टी आती है तुम्हारे को? भाई डिफिकल्टी तो ऐसी आती है वहाँ पे कि मैं तुमको बता नहीं सकता हूँ, 7-7 किलोमीटर 8-8 किलोमीटर का पहाड़ चलना पड़ता है कश्मीर में। सात किलोमीटर 8 किलोमीटर का खड़ा पहाड़ रहता है। अच्छा, मेरे पास वीडियो भी है उसकी, सब कुछ है जी। और इंशाल्लाह कभी ऐसा मौका आएगा तो मेरे लड़के का भी चैनल बनाए तो तुमको इंशाल्लाह उसके चैनल पे दिखाएगा इंशाल्लाह। और तो वहाँ पे ऐसा है कि जितना बन जाओ भी वहाँ जानवर पसंद आता है, कभी नहीं भी आता है, ऐसा होता है मेडिकल की भी बहुत डिफिकल्टी होती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है जी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, मेडिकल इश्यूज आते हैं, वो सब आते हैं, तो वो सब सारी चीजों को भी देखना पड़ता है, तो भी सब मेहनत है, इतना आसान काम नहीं है, रिस्क रहते है लाइफ का भाई। 10-10 दिन वहाँ रहना पड़ता है बिगैर खाए पिए, वहाँ का खाना भी तुमको ऐसा है कि तुम खा लेते वहाँ का खाना, मैगी के ऊपर ब्रेड जेम, इसके ऊपर वहाँ पे 8-8 दिन 10-10 दिन वहाँ रहना पड़ता है। भाई मैं अब्दुल कादिर की दाद दूंगा, हकीकत बता रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ, मैं देखता हूँ बंदा जाता है और गाड़ी के साथ ही आता है। वालेकुम अस्सलाम भाई, वालेकुम अस्सलाम भाई, सबसे पहले तो मेरे को यहाँ आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा जी। सब लोग एक जगह जमा हुए, अच्छे अच्छे बकरेबाज हैं यहाँ, लालू भाई, वक्की भाई, नबील भाई, तकी है, मोहम्मद है, बहुत लोग, यानी भिवंडी ऑलमोस्ट पूरा भिवंडी इधर है, और हर जगह से यूट्यूबर लोग भी आए। सबसे पहले यूट्यूबर लोग का शुक्रिया जो भिवंडी आए, भिवंडी के जितने भी व्यापारी उनको टाइम दिए अपना, और मैं एक ही बात बोलूँगा, भिवंडी में माशाल्लाह जो भी काम चल रहा है बकरों का बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, और अल्लाह ताला इसी लेवल पर काम को आगे बढ़ाए। जैसे लालू भाई है यहाँ पर, लालू भाई का भी एक से एक जानवर आते हैं देखने, जैसे लोग अच्छी अच्छी जगह पे वो जानवर नहीं देख सकते, जो लालू भाई के इधर देखोगे, तकी के इधर देखोगे, जब तकी की गाड़ी आती है जब देखो आगे, एक से क्वालिटी के। एक क्वेश्चन आप लोगों से ये था, जो विलायती में आप लोग काम करते हो, जैसे पठानकोट का नाम तो अभी अभी सुनने में आए, 2-3 साल हुआ है, तो ये मतलब जो पठानकोट की ब्रीड, वहाँ से ब्रीडिंग होती है कि वहाँ पर लाया जाता है दूसरी तरफ से, सुरंगिनी भी ब्रीड है? मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, मेरी बात सुनो जी, पठानकोट एक स्पॉट है, एक जगह का नाम है, स्पॉट है, माल जो उतरता है सब हिमाचल से उतरता है जी, जैसे कांगड़ा गांव है, सुरंगनी गांव है जी, फिर तुम्हारा पाठन गांव है जी, ऐसे बहुत से गांव है, कोई नाम बताता नहीं है किसी का, कोई गांव का नाम बताता नहीं है माल लाने वाला, मैं नाम के साथ में बताऊंगा, और जिसको भी जाके लेना है बिंदास ले सकता है वहाँ से, हाँ किसी की रोजी कोई चिंता नहीं है,
सब बोलने की बात है, अल्लाह के हाथ में रोजी देना और नहीं देना, समझे भाई। लेकिन जो माल पठानकोट में आता है तो पठानकोट में जो माल आता है ना भाई, वो सिर्फ खेल का रहता है। अच्छा हाँ, वो लोग बच्चे ले जाते हैं वहाँ से, सब सब देख के, जैसे हथियार देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, एक से क्वालिटी वो लोग ले जाके उसको फिर लोग डेवलप करते हैं। मतलब डेवलप करने पर हमें अच्छी चॉइस अच्छी है पठानकोट में। डायरेक्ट भाई, डायरेक्ट कोई कांगड़ा गाँव जा नहीं सकता है, डायरेक्ट कोई कांगड़ा गाँव जा नहीं सकता है, डायरेक्ट कोई तुम्हारा सुरंगनी नस्ल जो बोलते हैं सुरंगनी गाँव डायरेक्ट जा नहीं सकता है। सब बोलने की बातें भाई, जो खिलाड़ी एक दो खिलाड़ी है वहाँ के, उन लोग जाके बच्चे लेके आते हैं और लोग बच्चे परचेसिंग करते हैं पूरे, हाँ परचेसिंग करने के बाद में हर गांव में बच्चे जाने के बाद में फिर वो बच्चे तैयार करते हैं, उन लोग 8 महीना 9 महीना 10 महीना रखते हैं। हाँ और भाई अपने यहाँ तो दाना मिलता है, वहाँ दाना भी नहीं मिलता है, बिगर दाने के वहाँ पे 100-100 किलो पे बच्चा रहता है भाई, अजंत बच्चा 100-100 किलो पे आता है। हाँ वहाँ बारसी चलती है और तुम्हारा नीम का पत्ता चलता है, उसके बाद में ज़्यादातर वहाँ पत्ता चलता है अपना सैतूत का, सैतूत के पत्ते से लोग बहुत ज़्यादा तैयार करते हैं, जो अपने यहाँ बहुत कम है वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ तो हर घर के पास में तुम्हारा 25-30 झाड़ दिखेंगे, तो लोग वही खिलाते हैं। इसके बारे में अपन और तफसीली से बात करेंगे प्रोग्राम के बाद इंशाल्लाह, आपके फार्म पे भी आए जाएंगे, आया जाएगा और हमारा जो डेयरी फार्म वो भी एक बार कवर करेंगे, क्योंकि इंशाल्लाह पेज चैनल वो पर्टिकुलरली एक एनिमल्स भी नहीं है, गोट मतलब बकरा मेंढा पाड़ा इस पे सब पे, तो इंशाल्लाह अपन सब बताएंगे। बहुत बहुत जजाक अल्लाह आप लोगों का, शैतूत और स्ट्रॉबेरी लीची सब बैठे हुए हैं। आप लोगों बहुत बहुत जजाक अल्लाह, ठीक है चलो अल्लाह हाफिज़। ओ माशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। ये है नंबर वन यूट्यूबर आसिम भाई, ये है मिठाई का डब्बा। आसिम भाई और आसिम भाई ये तोहफा भेजे फैसल सारंग भाई अपने को, तो अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। अस्सलाम भाई, कैसे को देख के तो दिल में जान आ गई जी, जजाक अल्लाह, और रौनक आ गई है माशाल्लाह ये दावत में, और ये जो पार्टी रखी गई है जो दावत रखी गई, इसको नाम दिया गया जश्न भिवंडी बकरा कमेटी, सही है माशाल्लाह, बोलो माशाल्लाह। और आप आते हो कोई भी महफिल हो जी माशाल्लाह, जान आने ही आना, जजाक अल्लाह जजाक अल्लाह। तो कैसा लगा आपको ये माहौल देख के यहाँ का? नहीं माशाल्लाह, मैं तो अभी एंट्री किया हूँ, लेकिन बहुत अच्छा इंतजाम है और काफी लोग आए हुए हैं जी। तो बेसिकली जो मेहनत की है भिवंडी वालों ने जी पिछले पूरे सीजन के अंदर जी, उसका एक आउटकम देखने मिलेगा, सब मिलेंगे, बात होगी, अगर कुछ गलतियाँ भी हुई हैं तो आने वाले साल में वो कंटिन्यू ना हो, अगर कुछ अच्छा हुआ है तो उसको और अच्छे से किया जाए, ये दोनों चीज़ पे आई थिंक बात होगी आज। और हम लोग तो कोशिश करेंगे कि दोनों साइड का फ़ायदा हो, जो लोग खरीदते हैं माल उनका भी फ़ायदा हो जी, और जो बेचते हैं वो भी और कैसे अच्छे से बेच पाए, इस पे और तवज्जो देंगे अपन इंशाल्लाह। ट्रेडर कस्टमर सबका फायदा हो, दोनों का फायदा होना चाहिए। और आसिम भाई जैसे मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, मैं यहाँ नोटिस कर रहा हूँ ग्राउंड लेवल से लेके हाई लेवल तक के लोगों को सबको बुलाया गया जी जी, जो रिक्शा जो ट्रांसपोर्ट करते हैं जी जी। तो ये चीज में बहुत कम जगह दावत में मैं देखा हूँ, तुम्हारा बोलना है क्या ये चीज? नहीं क्योंकि ये सब जुड़े हुए हैं ना, अगर एक बकरी भी बिकती है आज भिवंडी से जी तो रिक्शा वाला ही मुमरा लेके जाएगा ना, सही है, तो उनसे भी हमारा लगाव उतना ही होना चाहिए जितना कि हम लोग एक दूसरे से रखे हुए हैं, तो बहुत जरूरी है कि सबको एक साथ लेके चलना है। और यूट्यूबर्स का भी बहुत बड़ा पार्ट है ना, क्योंकि वीडियो बनाते हैं लोग, उनके जरिए से देख पाते हैं कि भाई ये माल अवेलेबल है, और क्योंकि अभी बकरे धोके चुकी है तो लोग नए नए बकरे बकरियाँ खरीदेंगे अभी, तो इसके लिए यूट्यूबर्स का आना भी बहुत जरूरी है। बहुत सही, और यहाँ हौसला अफजाई भी माशाल्लाह की है यार, और इतने इतने लोग आए, मोहब्बत है भिवंडी बकरा कमेटी, और बहुत बहुत जजाक अल्लाह आप भी है, ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़ चुके हैं इलियास भाई, आई एल यू इंटरटेनमेंट के इलियास भाई, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम और सब खैरियत? अल्लाह का शुक्र अल्लाह। कैसा लगा यहाँ पर आए? हमेशा मैं जब भी आता हूँ भाई, मेरा तो मेरा घर ही है भिवंडी जी अल्हम्दुलिल्लाह, और जब भी आता हूँ सदर साहब का जो भी फंक्शन रहता है माशाल्लाह जी, वो एक नेक्स्ट लेवल का रहता है, और अल्हम्दुलिल्लाह सदर साहब की मोहब्बत है, क्या छोटे से छोटा फंक्शन हो बड़े से बड़ा फंक्शन हो बुलाते हैं, बुलाना बड़ी बात है, क्योंकि हम लोग जो छोटे ग्राउंड है छोटे यूट्यूबर है तो हम लोग छोटा काम करते हैं, हम लोग को भी याद करना वो बड़ी बात होती है, तो जजाक अल्लाह सदर साहब का
और इतना बड़ा फंक्शन इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। और आप एनिमल साउंड देख रहे हैं माशाल्लाह, भाई को भी सपोर्ट, हर एक को सपोर्ट करना है। जैसे हमारे भाई अभी स्टार्ट किए माशाल्लाह, उनको भी सपोर्ट करें, हम भी स्टार्ट किए हमको भी सपोर्ट करो। हमारे जो भी भाई लोग हैं भाई, ग्राउंड से आप में जाएंगे और सारे लोगों को बोलते ना एक है क्या, बस जुड़े रहो, इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट मिलती रहेगी। आप बकरा पसंद करते हो तो बकरा चैनल को सब्सक्राइब तो करना बनता है भाई, बहुत बहुत, क्योंकि जरूरी है भाई वो चीज़। कैसे सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता। एक्चुअली मैं खुद कैमरा फेस नहीं करता, इसलिए मैं खुद ज्यादा बोल नहीं पाता हूँ। सही सही। बैक कैमरा में आप लोग, मैं सामने से क्वेश्चन जब करता हूँ तो मैं एकदम मीटर होके करता हूँ, लेकिन जब फ्रंट कैमरा आता है तो इंसान शाय हो जाता है। सही है। तो ये भिवंडी बकरा कमेटी का जो भी प्रोग्राम रहता है, इलियास भाई तो उसमें रहती है, अल्हम्दुलिल्लाह, आसिम भाई भी रहते हैं। ये जो भिवंडी बकरा कमेटी है, इस पर आपका क्या बोलना है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर साहब के जो अल्फाज ही नहीं है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जो काम जो लेवल में कर रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इज्जत से नवाज ही रहा है और इंशा आगे भी नवाजेगा। ठीक है, दुआ में याद रखिए। ठीक है, चलो अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पर ये यूट्यूबर है किससे, फार्म से ही तो है। चलो चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह से भिवंडी के जितने भी, भिवंडी या बाहर के बम्बई जितने भी यूट्यूबर्स है, उसकी हौसला अफजाई करने के लिए, हौसला बढ़ाने के लिए ये सब केक लाया गया माशाल्लाह। और बहुत खुशी हुई ये सब केक देख के। और ये अपना एनिमस टाउन का केक, तो बहुत बहुत जजाक अल्लाह बहुत बहुत जजाक अल्लाह बोलूँगा भिवंडी बकरा कमेटी को और स्पेशली सदर साहब को कि ये सब इंतज़ाम किए हमारे लिए माशाल्लाह। हाँ यार भाई, सब लोग इस तरह ऑफिशियल टीम जी प्लीज माशाल्लाह भाई, फुलकुशी करो, चल रहा चल रहा, वेरी नाइस वेरी नाइस, बेहतरीन बेहतरीन, न्यू अपकमिंग स्मार्ट ब्लॉग भाई, सब एमएसक्यू को टक्कर दे रहा भाई, खूबसूरती में टक्कर कर दे रहा भाई। एडवोकेट शाहजान भाई माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन, समीर को टक्कर दिया खूबसूरती में, नया यूट्यूबर आ गया मार्केट में।